इस वेले दी जिहड़ी वड्डी खबर सामने आ रही है वो ये है कि अज मजीठा हल्के दे विच गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल वालों एक बहुत ही वड्डा रोस मार्च कढ़िया गया ते ये रोस मार्च उन्हां लोकां दे मूँह ते एक करारी च पेड़ है जिहड़े लोग कहिंदे ने कि दिल्ली विच तां कुछ गिणती ते हद सीमित लोग ही बैठे हन बाकी असली किसान तां पिंडां विच बैठे हन। उन्हां लोकां नूं मैं दस देना चाहुंदा कि ये वो असली किसान जिहड़े तुसीं कहिंदे जे अज वी रोस मार्च कढ रहे आ कोई टोल प्लाजिआं ते बैठा कोई रिलायंस दे पंप घेर के बैठा कितने रेलवे ट्रैक डक के बैठे आ उन्होंने गिनती भी तुम इन ही रख्या करो। वेखण वाला नज़ारा से अब भाई साहब भाई गुरु अवतार सिंह जी जो मजीठा हल्के तो गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल के इंचार्ज ने तो उन्होंने भाई रविंद्र सिंह जी खालसा उन्होंने बाबा जगजीवन सिंह जी बाबा माणा जी वाले उन्होंने गाफिल हरमनदीप सिंह जी रबाबी सैकड़े बच्चे हज़ारा नौजवान बजुर्ग अते हर श्रेणी के वर्ग वालों एक विशाल रोस मार्च कढ़िया गया अते ए है असली जंग जिहड़े दिल्ली बैठे आ दिल्ली जंग लड़ी जा रहे हैं जिहड़े पंजाब विच बैठे आ वारी वारी जा भी रहे दिल्ली भी लोग ते पंजाब विच बैठे लोग भी ये गल तुहानू दसना चाहुंदे ने कि असीं भी टेक केयर नहीं बैठे ते असीं भी एक दिन आराम नाल नहीं बैठे साडा भी संघर्ष जारी है ते साडे रोस प्रदर्शन जारी है। इस वेले वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज पिंड तलवंडी घूमन समूह सा संगत गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल के सिख स्कूल के वलों रोस मार्च कढ़िया जा रहा किसान के हक में कि जेडे कानून ने वापस ले जाए रोस का हर एक वर्ग के अंदर सोए काफिला जगदीपुर तो शुरू होया कि समाप्ति गुरुद्वारा बाबा बुढ़ा साहब विखे होगी ते असी सारे ही इन्हां कानूनां का विरोध करते हैं ते बेनती करते हैं कि जिहड़ी सरकार आ अपने जिहड़े कानून ने रद्द करे वापस ले। ये केवल हुण पंजाब का मसला ही नहीं ये विश्व का रूप धारण कर चुका है ये हिंदुस्तान के सारे किसानों का मसला है। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी का फतेह।